मानस में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि शंकर जी जैसे गुरु मिलने के बाद भी रावण कभी उनसे समझा नहीं, और शंकर जी ने उसे कभी समझाया नहीं। विचित्र बात है। तो रावण को सबने समझाया लेकिन भगवान शंकर ने नहीं समझाया। तो शंकर जी से किसी ने पूछा कि आप इन्हें क्यों नहीं समझाते हो, और तो सब समझाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं जो समझाते हैं वो खुद ही नहीं समझते, इसलिए समझाते हैं। हम रावण को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, इसलिए नहीं समझाते। ये क्यों? कि नाम समझी भी दो प्रकार के होते हैं मेरे प्रेमियों। दोष की तरह तो दोष अगर हो तो दूर हो जाएगी, पर स्वभाव कभी बदलता नहीं। दोष दूर हो जाता है पर स्वभाव नहीं बदलता। तो भगवान शंकर जी बोले कि समझाने से कोई लाभ नहीं होगा। समझाना किसको चाहिए? श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम। ज्ञान की प्राप्ति तो श्रद्धावान को होती है। और ये शंकर जी बोले जब मुझे देखता है तब वो हंसता है। भगवान शंकर कहते हैं रावण जब मुझे देखता है तो हंसता है। तो पूछा कि क्यों हंसता है आपको देखकर? तो कहते हैं जैसे ही मैं सामने जाता हूं तो हमारी ओर देखकर हंसता है, तब कहता है गुरुजी इधर देखो। तो हम पूछते हैं क्यों देखें? तो वह कहता है कि आपके तो पांच ही सिर हैं, भगवान शिव को पंचानन का है ना, एक आनंद चतुरानंद पंचानन राज है। वो कहते हैं कि आपके तो पांच सिर हैं, मेरे तो दस हैं। तो हम आपसे दुगने। अब चेला गुरु से कह रहा है कि हम आपसे दुगने हैं, आपके तो पांच सिर हैं, मेरे दस हैं। तो जो व्यक्ति गुरु जी से अपनी समझ दुगना समझे, जो व्यक्ति अपने गुरु से अपनी समझ दुगनी समझे तो उसको गुरु के लोग क्या समझाएंगे और कैसे समझाएंगे? उनको यह भ्रम है कि गुरु जी से हम दुगने हैं। और यही कारण है मेरे प्रेमियों कि एक दिन रावण गया तो कैलाश पर्वत हिलने लगा। भगवान के पास गए रावण, पूरा कैलाश पर्वत हिलने लग गया। और कैलाश पर्वत हिला तो भगवान शंकर भी हिल गए। तो पार्वती जी ने पूछा कि देवाधिदेव महादेव ये क्या हो रहा है, हिमालय कैसे हिल रहा है? तो शंकर जी मुस्कुराकर बोले कि मेरा चेला आया है, मेरा चेला आ रहा है इसलिए हिमालय हिल रहा है। और रावण जैसा चेला आएगा तो हलचल मचेगी, स्वाभाविक है। क्योंकि जो गुरुओं के यहां जाकर हलचल मचा दे, ध्यान सुनना इस बात को, जो गुरुओं के यहां जाकर हलचल मचा दे वो गुरुओं से अधिक खोपड़ी वाला अपने आप को समझता है। कई लोग ऐसे आते हैं आश्रम में, जैसे ही आएंगे तो पूरी भगदड़ मच जाएगी। उनके पांच सर, उनके पांच हमारे दस, ये खोपड़ी वाले हलचल ही मचाते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। और यही कारण है मेरे प्रेमियों की सीता जी का जन्म घट से हुआ है। वो घट को, घड़े को घट कहते हैं, और घट हृदय को भी कहा गया है। घट विराजे मेरा साईं। श्री सीता जी शांति हैं, भक्ति हैं, और भक्ति का जन्म होगा तो हृदय से ही होगा। तो यहां पर एक अद्भुत संकेत है कि रावण ने सीता जी का हरण किया है। भक्ति का जन्म हृदय से होता है, और खोपड़ी वाले तो हरण ही किया करते हैं।
और सज्जन ने बड़ी अच्छी बात कह दी, उनका नाम ही खोपड़ी है, खोद आई इसीलिए तो पड़ी है। उन्होंने कहा कि खोद आई इसीलिए तो पड़ी है, वही खोपड़ी है। तो अच्छा, रावण खोपड़ी वाला है। शंकर जी ने कहा ये तो हलचल मचाएगा ही। रावण से किसी ने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो बोला प्रणाम कर रहे हैं, हम हमारे इष्ट को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये कैसा प्रणाम भाई, तो बोला गुरु जी को सिरोधार्य कर रहे हैं। सिरोधार्य नहीं करता, शरणागत होता है, दंडवत होता है, और गुरु शिष्य के सिर पर हाथ रखते हुए ऊपर उठने को कहता है, उठो बेटा उठो शिष्य, ऐसा बोलता है। शिष्य कहता है गिरना मेरा स्वभाव है, और गिरते हुए को ऊपर उठाना गुरु का स्वभाव है। तो शिष्य का भाव यह है कि मुझे गिरते हुए आपने ऊपर उठा लिया, गुरुदेव आपकी कृपा है, इसलिए आज मुझे ये ऊंचाई मिली है, नहीं तो कैसे मिलती। पर रावण बोला इस तरह मैं प्रणाम नहीं करता, क्यों कि सबकी तरह प्रणाम करूं तो सब में और मुझ में अंतर क्या रह जाएगा, तो सब बराबर। तो वैसा प्रणाम नहीं ऐसा करते हो क्यों। रावण बोला इसलिए कि मैं ऐसा चेला नहीं जिसे गुरुजी ऊपर उठाएं, मैं तो ऐसा चेला हूं जो गुरुजी को ऊपर उठाए। सारी दुनिया देखे कि चेले ने गुरु को ऊपर उठा रखा है। मैं लोगों को दिखाने आया हूं कि गुरुजी के कारण मैं ऊपर नहीं उठा हूं, मेरे कारण गुरुजी ऊपर उठे हैं, ऐसा रावण का भाव था। मेरे प्रेमियों, बहुत बार चेलों को लगता है कि हमारे कारण ही गुरुजी ऊपर हैं, और रावण को भी ऐसे ही लगा। तो रावण को गुरुजी हमेशा छोटे दिखते हैं, रावण को गुरुजी अपने से छोटे दिखते हैं। तो मेरे प्रेमियों, मेरा कहने का भाव यह है कि आज के समय में जिन लोगों को यह भ्रम है, ये ब्रह्म शब्द का उपयोग हुआ है, जिन लोगों को ये ब्रह्म है कि वह गुरुजी से भी ऊपर हैं, तो रावण जैसा ही उनका हाल होगा।